का खुलासा हुआ है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, देहरादून एसएसपी ने खुलासा किया है और महिला और नौकर की हत्या का खुलासा किया है। इसके साथ ही महिला के घर पर नौकरी करना चाहता था आरोपी, आरोपी नौकर को मारकर खुद घर पर नौकरी करना चाहता था। आरोपी पहले भी नौकर को रोड पर मारा और इसके बाद महिला ने देखने के बाद आरोपी ने महिला की भी हत्या कर दी। 19 साल का आरोपी बताया जा रहा है और रोड के माध्यम से सिर पर वार करने से दोनों की मौत हो गई है। आरोपी ने रॉड से दोनों पर हमला किया जिससे कि दोनों की मौत हो गई। आरोपी कुछ दिन पहले ही महिला के घर पर नौकरी के लिए गया था। महिला ने नौकरी होने की बात कहकर मना कर दिया था और कहा था कि नौकरी पाने के लिए आरोपी ने हत्या का प्लान बनाया। देहरादून प्रेम नगर ग्राम धौलास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धौलास में डबल मर्डर का हुआ था जो कि 29 तारीख को हुआ था। तो इसमें दौराने पूछताछ कई चीजें हमको मिली थी जिसपे कि हमने जो कड़ी दर कड़ी मर्डर की बुनी जो पुलिस ने उसको फ्रेम किया, तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में घर में काम करना चाहता था, उसके द्वारा ये ताना बाना बुना गया कि अगर जो ऑलरेडी नौकर घर में काम कर रहा है अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो वो आदमी उस घर में नौकरी कर सकता है। तो जो डबल मर्डर हुआ था जो कि 29